हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़े कुछ अन्य सवालों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर एक, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। नंबर दो, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 50 से 60 दिन, 30 से 40 दिन, 40 से 50 दिन या 10 से 12 दिन। तो इसका सही आंसर है 10 से 12 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। नंबर तीन, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, फैगोसाइट्स या प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है। नंबर चार, श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन है 50%, 30%, 75% या फिर 40%। तो इसका सही आंसर है 75%। नंबर पांच, प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है? तो इसके ऑप्शन है 90%, 50%, 40% या फिर 55%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 90%। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। नंबर छह, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, यानी कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नाभिक। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है। नंबर सात, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? ऑप्शन है फेफड़ों की ओर, स्केलेटल मसल की ओर, हृदय की ओर या शरीर के नीचे की ओर। तो इसका सही आंसर है स्केलेटल मसल की ओर। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहां जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो स्केलेटल मसल की ओर बढ़ जाता है। नंबर एट, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 60%, 70%, 50% या फिर 90%। तो मानव शरीर में 70% पानी यानी वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? स्किड पोर्ट कैलिपर द्वारा, पेडोग्राफ द्वारा, डायनेमोमीटर द्वारा या गोनिनियोमीटर द्वारा। तो स्किन फोर्ड कैलिपर के द्वारा शरीर में वसा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? नसों का सिद्धांत, हड्डियों का सिद्धांत, मांसपेशी का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। खेल कूद में शक्ति प्रयोग के समय मांसपेशियों का सिद्धांत लागू होता है यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? 88.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 108.4 फ़ारेनहाइट या 78.4 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, न्यूरोजिला किसके निर्माणक हैं? ऑप्शन है रक्त परिसंचरण तंत्र, स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो इसका सही आंसर है स्नायु तंत्र। नेक्स्ट, वो कौन सा ऊतक है जो पूरे शरीर को ढक कर रखता है? ऑप्शन है एपिथीलियम ऊतक, कैटी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिकाओं में लिम्फोसाइट्स का कितना प्रतिशत होता है?
ऑप्शन है लगभग 15%, लगभग 30%, लगभग 25% या लगभग 50%। तो इसका सही आंसर है लगभग 25%। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो श्वेत रक्तकणिकाओं में 25% तक उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना, ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का संवहन, वसा को घटाना। तो इसका सही आंसर है शरीर को बीमारियों से बचाना। श्वेत रक्त कोशिकाएं ही हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? लूरोथ्रिनसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स, कैगोसाइट्स या मोनोसाइट्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है रक्त में, जर रस में, कोशिका द्रव में या आमाशय में? इसका सही आंसर है रक्त में, यानी ब्लड में। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे ब्लड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फैगोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स। तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में, रक्त परिसंचरण तंत्र में या तंत्रिका तंत्र में? तो इसका सही आंसर है श्वसन तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन सेंटीमीटर, माइक्रोन, इंच या मीटर? तो इसका सही आंसर है माइक्रोन। मांसपेशी की लंबाई माइक्रोन में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियम कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? ऑप्शन है ग्रास नली, डेल्टॉयड, हृदय या बाइसेप? तो इसका सही आंसर है ग्रास नली। एपिथेलियम सेल जो होती है वो ग्रास नली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? ऑप्शन है कार्टिलेज, हड्डी, रक्त कोशिका या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, फाइब्रिनोजन होता है रक्त में विद्यमान तथा यकृत में बनता है, रक्त में विद्यमान तथा अस्थि मज्जा में बनता है, यकृत में विद्यमान तथा श्वेत रुधिराणु में बनता है या मूत्र नलिकाओं में विद्यमान होता है? तो इसका सही आंसर है रक्त में विद्यमान तथा यकृत में बनता है। फाइब्रिनोजन रक्त में पाया जाता है और इसका निर्माण यकृत में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रुधिर कोशिकाएं अलग कर दी जाएं तो शेष बचा द्रव क्या कहलाता है? ऑप्शन है केवल जल, सीरम, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। यदि रुधिर कोशिकाएं रक्त से अलग कर दी जाएं तो जो द्रव बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथोवेन रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है तथा रुधिर में कहां से निकलता है? इसके ऑप्शन है यकृत, श्वेत रुधिराण, रुधिर प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। प्रोथोवेन जो होता है वो यकृत से स्रावित होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।